الله أكبر الله أكبر. इनकरा से पूछे, चाचा जान आप बता सकते हैं कबीर मियाँ का घर कहाँ पर है? आगे जाके बाएं मुड़ के मोहल्ले का पहला टल्ला कबीर मियाँ का है। आप लोग कौन? हमें फातिमा से मिलना है। अंदर आ जाइए, फातिमा मैं ही हूँ। कौन है फातिमा? ओ हिंदुस्तान से, हमें भाईजान ने बताया था। हमें आपसे एक बात पूछनी थी, ये अकरम अली कौन है? क्या हुआ दीदी, चुप क्यों हो गई? कुछ नहीं, अकरम अली का यहाँ सबसे बड़ा गैंग है और वो कराची में अपने लोगों के साथ है। उसका भारत में किसी से संबंध नहीं है, वो सारे धमाके यहीं से करवाते हैं। दरअसल मेरी एक प्रेमिका है वेदिका, जो इस वक्त अकरम अली के कैद में है। अकरम अली का एक भाई है जो हुस्न और सवाब का दीवाना रहता है, उसे अगर पकड़ा जाए तो जरूर कुछ पता चल सकता है। वो कहाँ मिलेगा? मुझे पता है वो कहाँ मिलेगा। मैं उसे अपने जाल में फंसा लूंगी और आप लोग उसे किडनैप कर लेना।
फिरते हैं, देख के मुझको तो बस आहे भरते हैं। खबरदार, जो कोई अपनी जगह से हिला तो अपनी जान से जाएगा। चल, कोशिश कर ले, तेरा हर कोशिश नाकाम रहेगा। नहीं बताऊंगा। बताएगा कैसे नहीं, बहुत कोहराम मचाया है तुम लोगों ने। भैया, इस सलाह से न मानी। रुक जाओ राहुल, अगर ये मर गया तो वेदिका हमारे हाथ कभी नहीं आएगी। तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। बता दे, वरना जान से हाथ धो बैठेगा। रुको, गोली मत चलाना। वेदिका का पता सिर्फ मेरे बड़े भाई जान सुल्तान को पता है। ले और कॉल कर उसे। हेलो भाईजान। आफ्ताब, कहाँ हो तुम? भाईजान, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ? तुझे जानने की जरूरत नहीं है। भाई को जिंदा देखना है तो जो मैं बोलता हूँ वो कर। वाकिफ नहीं है तू मेरे जुनून से, तुझको ही रंग दूंगा तेरे ही खून से। चुप हो जा साले, ये वक्त डायलॉग बोलने का नहीं है। अगर अपने भाई को जिंदा देखना है तो वेदिका को लेके सिंध नदी के किनारे आ जा, और अगर किसी भी तरह की होशियारी की तो तेरा भाई गया। असलम, रस्सी लाओ और बांध इसे। राहुल, बांधो इसे, छोड़ दो और सड़ने दो इसे। हाँ,
ना मुरादो कहाँ छुपे बैठे हो? देख तेरी मासुका को लेके आ गया। पहले लड़की को भेज। आजा मेरे भाई, आजा। ये क्या बोल रहे हो? चाहे कुछ भी कर, वो लोग पाकिस्तान की सरहद से बाहर नहीं जाने चाहिए। जी भाई जान। भाई जान, आप परेशान ना होइए, मैं भी देखता हूँ वो बॉर्डर पार कैसे कर लेते हैं। प्यार के मौसम कब ले बानी हम कैसे बुझ पाइब हो। प्यार के मौसम कब ले बानी हम कैसे बुझ पाइब हो। कैसे के करी बड़ैयो हो कहतो में डरिया लागे। ऊपर के चंदा फीका बा हमारा चांद के आगे।
बदलले बाड़ू सकेता में पागल भइल बा मनावा खाने की पावत रखल बा छप्पन भोग सम्हनावा दरिया जवानी के उमरे हो लव के समंदर लगे हालको के दोनों जो बनवा तो से सनहिया मांगे तू ही बतावा दरिया में तोहरा हम कब नहाइबू हो तो हमरा ख्याल से अब चले के चाहिए। या अल्लाह क्या हुआ फातिमा? मेरी सहेली को हार्ट अटैक आया है, मुझे जाना होगा अब। राहुल तू जा इनका के छोड़ के आवा। ठीक है भैया। अपना ख्याल रखना। बस मैं यहाँ से चली जाऊंगी, आप चले जाइए। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। राहुल के गईला काफी देर हो गई, अभी तक हुआ इला? क्या बताऊं अभय, मैं भी बहुत परेशान हूँ, अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए। अभय एक काम करा, राहुल के मोबाइल में फोन करके पूछा कि आखिर वो कहाँ बाड़े। हाँ अभय, वेदिका ठीक बोलत बानी, राहुल के फोन करे। कौन बचाएगा? बोल कहाँ है लड़की? नहीं बताऊंगा। भैया अस्सलाम वालेकुम मियाँ जी, और सब खैरियत तो है ना? आफ्ताब, राहुल का मोबाइल तेरे पास कैसे? कहाँ है राहुल? कुछ नहीं करूंगा, लेकिन वो लड़की मुझे नहीं मिली तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आफ्ताब
अगर उसके शरीर पे एक भी खरोच आया तो तुझे तेरे ही पाकिस्तान में कुत्ते की मौत मारूंगा। वो लड़की मुझे जल्द ही चाहिए। जब भी तुके हमारे प्यार पर विश्वास हुई तू हमके वो फोन कर दिया। हेलो राहुल। हेलो, मैं एसपी दिलेर खान बात कर रहा हूँ। बड़े ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। अपने आप को संभालो। अभय अपने आप को संभालो।
कंट्रोल। अभय अभय अपने आप को संभालो, अभय अपने आप को संभालो, अभय कंट्रोल, अभय कंट्रोल। हमें पता है कि तुम हमारे मुल्क के मुजरिम हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा, क्योंकि आतंकवाद आज पूरे जहां के लिए नासूर बन चुका है। इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं करूंगा। कसम है मुझे मेरे भाई और भारत माता की, इनके इतने टुकड़े करूंगा ना ही इन्हें जलाया जा सकेगा और ना ही दफनाया जा सकेगा। कौन हो तू? तुझे इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, अब तुझे और तेरे भाइयों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता।
देखिए हमारा आफताब हमें छोड़ के चला गया। मेरे भाई के कातिलों का मैं वो हश्र करूंगा कि उन हिंदुस्तानियों का रूह तक कांप जाएगी। मेरे भाई आफताब का जनाजा तभी निकलेगा जब उन हिंदुस्तानियों की लाश मेरे कदमों में होगी। सुल्तान अपने सारे आदमियों को बुलाओ, उनमें से एक भी आदमी जिंदा नहीं बचना चाहिए। शहनवाज गाड़ियां निकालो। अभय, हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते। आफताब के मरने के बाद वो लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ अभय, कबीर सही कहत बाड़े। तू लोगन के परेशान भइला के जरूरत नहीं खे। अब वो लोग के मालूम चली एगो हिंदुस्तानी से टकराइला के का अंजाम होला। अब वो लोग के मुंह तोड़ जवाब देवे के वक्त आ गइल बा। अब वो लोग के चाल अनहनिये के भारी पड़ी। आखिर वो कैसे? कबीर, हेलो, क्या? लेकिन कैसे? सुल्तान ने फातिमा को भी मार दिया। अब वो सब ना बचे। तुम्हें क्या लगता है, तुमने हमें पकड़ लिया? फंस गए साले, अब तुम्हें कौन बचाएगा? कबीर, जरा भाईजान को उर्दू में समझाना। मुझे मार के तुम लोग बच नहीं सकते। भाईजान, मैं ला रहा हूं उन सब कमीनों को।
लोगों ने मेरे भाइयों को मारा। तुम हिंदुस्तानियों के पास इतनी कड़वी कहां से आ जाती है? तूने मेरे भाइयों को मारा, हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुम्हें जहन्नुम भी नसीब नहीं होगा। ए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम जब मारते हैं तो धरती हिल जाती है। तुम पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में इतना भी पावर नहीं कि तुम मेरा एक पंच बर्दाश्त कर सको। दम है तो हाथ खोल के देख। भाईजान, अपना सुल्तान इस जहां में नहीं रहा। क्या? इन हिंदुस्तानियों की ये मजाल। बहुत गर्मी है ना तेरे खून में? इकबाल, इसके हाथ खोल दे। अबे तू हंस क्यों रहा है? जरा पीछे मुड़ के देख। अशरफ, क्या हो गया तुम्हें? उठ जा अशरफ। भाईजान, अब वो नहीं रहा। अरे ये कहां गए सब? कहां चले गए कमीनों? उन सबको ढूंढ के लाओ।
पानी है जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है। इश्क तो करता है हर कोई, महबूब पे मरता है हर कोई। कभी वतन को महबूब बना कर देखो, तुझ पे मरेगा हर कोई। कहाँ गए सबके सब,
कोई नहीं है आने वाला, सबको ऊपर पहुंचा दिया है। अब तुम्हारी बारी है। तो ये लड़की जान से जाएगी। शाबाश सावेद, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। भाईजान, किसी हरामखोर ने अपने भाई को मारा। बहुत खेल खेल लिया तूने बच्चे, अब मेरी बारी है। दम है तो निहत्थेया।
से बंधु बंधुरन पुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा कटाक्ष घोरणी निरुद्र दुर्धरापति क्वचित दिगंबरे मनोविनोद में तो वस्तुनी लोचन प्रभत्त शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधूस रामपीठ भू भुजंग राज मालया निबद्ध जाट जूटक श्रेय चिराय जायताम च घोर बंधु शेखरा आओ वेदिका आओ, तुम लोगों ने देश के लिए जो किया है बहुत अच्छा किया है। आज पूरे देश में तुम लोगों का ही चर्चा है। अरे बैठ जाओ भाई, तुम लोग खड़े क्यों हो? बैठ जाओ, बैठ जाओ। सर, ये सब हम अकेले नहीं किए हैं, हम कई लोगों के मदद से इतने बड़े आतंकियों को मारकर आज हिंदुस्तान को बचाए हैं। अब है कबीर असलम अगर नहीं होते तो शायद हम नाकामयाब हो जाते। मैंने ये सब अपने देश और अपने प्यार के लिए किया, लेकिन इस जंग में मेरा भाई नहीं रहा। ऐसा मत बोलो, वो अपने देश के रक्षा के लिए शहीद हो गया, उसने देश के लिए कुर्बानी दी है। लेकिन ऊपर वाले का चमत्कार देखिए सर, उस भाई को छीनकर मुझे ऊपर वाले ने ये भाई दिया है जो मेरे उस भाई से भी कहीं बढ़कर है। अच्छा ये बताओ, आगे तुम्हारा क्या इरादा है? अब अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ सर, ताकि अकरम अली जैसे खूंखार आतंकवादी फिर मेरे देश में कदम ना रख सके। मैं तुम्हें एक और मिशन पर भेजना चाहता हूँ, जाना चाहोगे? जरूर सर। मेरे देश तुझको नमन है मेरा, ज्यों तो जुबा पे नाम हो तेरा, मरू तो तिरंगा कफन हो मेरा।